लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले कहां पहुंचा जहाज। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म सलार के बारे में। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में रघु बड़ा होकर अपने मालिक के बंदरगाह पर जहाजों की रखवाली करने लगता है। एक दिन सभी जहाज शाम होने से पहले ही बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। राजा उनकी गिनती शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एक जहाज गायब है। राजा एक आदमी से कहता है, जरा दूरबीन देना। तो दूरबीन से राजा अपने उस जहाज को बीच समुद्र में फंसा हुआ देखता है। उसकी नजर ढलते ही सूरज पर पड़ती है। राजा जल्दी से रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेकर नाव पर बैठने लगता है। बीच समुद्र में पहुंचकर राजा देखता है कि उसका एक जहाज बड़े जहाज से बंधा हुआ है। राजा सोचता है, ये किसका जहाज है। राजा उस बड़े जहाज पर पहुंचकर अपने जहाज की रस्सी निकाल ही रहा होता है कि उस पर पीछे से एक हमला होता है। राजा के पास हमेशा ही एक बंदूक मौजूद रहती है जो उसे मालिक ने दी थी। राजा अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उस आदमी को गोली मार देता है। उसकी नजर फिर एक बार ढलते सूरज पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी अपना जहाज छुड़ा कर जाने लगता है। राजा आगे आकर देखता है कि उसके मालिक को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। राजा मालिक को गोद में उठाते हुए पूछता है, ये किसने किया, किसने किया, बताओ मुझे। एक आदमी जवाब देता है, रात के अंधेरे में समुद्री लुटेरे आए थे, किसी ने उनके एक आदमी को जान से मार दिया था। सभी लोग मिलकर राजा को बंदरगाह का नया मालिक बना देते हैं। वक्त के साथ साथ समुद्र में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। राजा की नजर अपने जहाज पर पड़ती है जो ठीक समुद्र के बीच में घूम रहा है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और राजा ये देख कर खुश होने लगता है। राजा कहता है, अब ये लोग कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अगले दिन राजा अपने घर आराम से सो रहा होता है, तभी वहां राजेश आता है। राजेश बंदरगाह पर काम करने वाला एक आदमी होता है। राजेश दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहता है, जल्दी खोलो राजा, जल्दी खोलो। राजा जल्दी से दरवाजा खोलता है। राजेश कहता है, तुम अभी के अभी ये शहर छोड़कर मुंबई चले जाओ। तुम्हें क्या लगा कि तुम बॉम्ब से सभी लुटेरों को मार दोगे। राजा कहता है, लेकिन मैं किसके पास मुंबई जाऊंगा। राजेश कहता है, ये लो, ये मालिक के एक दोस्त का पता है जो वहीं रहते हैं, तुम उनसे मिलना, ठीक है। राजा को जाते देख राजेश जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में राजा मुंबई में अपने मालिक के दोस्त और पॉलिटिशियन सूर्या के घर पहुंचता है। राजा देखता है कि हर दरवाजे पर एक आदमी हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहा है। राजा अंदर आता है और सूर्या को पूरी बात बताता है। तो शराब पियोगे। राजा कहता है, नहीं मैं नहीं पीता। सूर्या उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी राजा के पास एक फोन आता है। हेलो, हाँ राजेश ने समुद्री लुटेरों से हाथ मिला लिया और तुम्हें वहां इसीलिए भेजा ताकि खुद मालिक बन सके। ऐसा कहते ही फोन कट हो जाता है। क्या करेगा अब राजा। स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।